आइए हम लोग जान लेते हैं कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। देखिए, मीठे पानी की झील कह लीजिए, या फिर इसको कह सकते हैं ताजे पानी की झील, या अंग्रेजी में हम इसको कह सकते हैं फ्रेश वाटर लेक। ये तीनों बातें एक ही हैं। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील उलर झील है। यह झील जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में पड़ता है। आइए हम लोग इसे एक मैप पर देख लेते हैं। देखिए, भारत का मैप है और इस भारत के मैप पर यहाँ पर है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, और इस जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में यहाँ पर पड़ता है आपका उलर झील। ये उलर झील है। उलर झील झेलम नदी पर बना एक गोखुर झील है। देखिए, जो उलर झील है यह झेलम नदी के रास्ते में ही पड़ता है। यह एक गोखुर झील है। तो आइए हम लोग जान लेते हैं कि आखिर गोखुर झील किसे कहते हैं। तो हमने यहाँ पर नोट कर दिया है गोखुर झील। मैदानी क्षेत्र में नदी की धारा दाएं बाएं बल खाती हुई प्रवाहित होती है और विसर्प का निर्माण करती है। विसर्प का मतलब होता है मोड़। इसको अंग्रेजी में कहते हैं मियांडर। ये विसर्प अंग्रेजी के यस अक्षर के समान होते हैं। जब नदी अपने विसर्प को त्याग कर सीधा रास्ता पकड़ लेती है, तब नदी का अपशिष्ट भाग गोखुर झील कहलाता है। देखिए, इसमें कह रहा है कि नदी जब मैदानी भागों से प्रवाहित होती है, अर्थात समतल भागों से प्रवाहित होती है, तो नदी का जो वेग होता है वो धीमा हो जाता है, यानी स्लो स्लो बहने लगती है। और ये धीमे बहने की वजह से ही नदी जो है वो सर्पिलाकार बहने लगती है, यानी सांप की तरह चलने लगती है, जिससे विसर्प बनने लगते हैं। तो आइए हम लोग जो है इसको यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, ये जो है नदी मैदानी भागों में इस तरह से बहती है, इस प्रकार से। अब ये जो है नदी विसर्प बनाती है, इसको कहते हैं विसर्प। ये नदी का विसर्प है। तो हम लोग जानते हैं कि नदी जो है अपना मार्ग हमेशा बदलती रहती है। तो कभी कभार ऐसा होता है कि ये नदी जो है इस विसर्प को छोड़ देती है और ये सीधे आकर के यहां मिल जाती है। तो नदी का जो रूट है वो इस तरह से हो जाता है। नदी जो है इस रास्ते को छोड़ देती है और ये सीधा आकर के यहाँ मिल जाती है। तो ये जो पुराने मार्ग से जो बहती थी, जिसको विसर्प कहते हैं, ये विसर्प जो है क्या हो जाता है, ये अलग थलग हो जाता है नदी से और ये एक झील बन जाती है। इसको कहते हैं गोखुर झील। इसको गोखुर झील इसलिए कहते हैं क्योंकि यह जो है गाय के खुर की तरह यह झील नज़र आती है। तो हम समझ गए कि गोखुर झील क्या होती है। तो हम लोग समझ गए कि उलर झील जो है एक गोखुर झील है। उलर झील के निर्माण में विवर्तनिक क्रिया का भी प्रभाव है। देखिए, जो उलर झील है यह एक बड़ी झील है और इस झील का निर्माण है दो तरीके से हुआ है। मतलब इस पर विवर्तनिक क्रिया का भी प्रभाव है और ये जो है एक तरह से गोखुर झील का भी उदाहरण है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि विवर्तनिक क्रिया किसे कहते हैं। देखिए, विवर्तनिक झील यानी टेक्टोनिक लेक। पृथ्वी के अंदर होने वाली हलचलों के कारण कभी कभी पृथ्वी की सतह धंस जाती है और इन गड्ढों में जल भर जाने से झीलों का जन्म होता है। देखिए, हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी जो है वो प्लेटों से मिलकर बनी हुई है और ये प्लेट जो है इधर उधर खिसकते रहते हैं, जिससे जो है पृथ्वी के अंदर एक हलचल होती रहती है और उस हलचल के कारण जो है पृथ्वी का कोई भाग नीचे धंस जाता है और कोई भाग ऊपर उठ जाता है। लेकिन जब कोई भाग नीचे धंस जाता है तो बाद में उसमें पानी भर जाती है और उससे जो है झील का निर्माण होता है। तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि उलर झील गोखुर झील का भी उदाहरण है और विवर्तनिक झील का भी उदाहरण है। उलर झील के पूर्वोत्तरी कोने में
जैनुलंक नाम का एक द्वीप है। यह एक कृत्रिम द्वीप है जो सन 1444 में कश्मीर के सुल्तान जैनुल आबिदीन ने बनवाया था। देखिए इसमें कह रहा है कि उलर झील के अंदर जो है एक द्वीप जो है जिसका नाम है जैनुलंक। तो इस जैनुलंक जो नाम का जो द्वीप है, इस द्वीप को जैनुल आबिदीन एक सुल्तान थे, उन्होंने बनवाया था। जैनुल आबिदीन जो है एक प्रसिद्ध शासक रहे हैं कश्मीर के, जिनको कश्मीर का अकबर कहा जाता है।